दिव्यांश 99.4 इट्स नॉट अ जोक. क्या स्ट्रेटजी रहा, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी हर दिन? ऑनेस्टली मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था. हाँ, मैं एग्जाम टाइम में बहुत पढ़ता था. इनफैक्ट मतलब मानेंगे नहीं, मैं बिना सो के एग्जाम देने गया था मतलब हर एग्जाम, क्योंकि मैं पूरे साल ज़्यादा पढ़ा नहीं था इसीलिए. और मैं ज़्यादा कोचिंग वगैरह किया नहीं था, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी. प्लेटफॉर्म का नाम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बताइए. मैंने फिजिक्स वाला से पढ़ाई की थी ऑनलाइन. और ऐसा नहीं कि मैं नर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा ही पढ़ता रहता था. इनफैक्ट मैं फर्स्ट हाफ ईयरली तक बहुत क्लासेस बंक भी किया था. मैं रियली अपना फिजिक्स क्लास अटेंड किया हूँ. अब मेरे टीचर से भी पूछ सकते हो. तो ये अचानक से कैसे जाग गया कि मुझे टॉप करना है? वो बंक से कैसे, ये टॉपर कैसे बन गया ये लड़का? टॉपर शुरू से ही था मतलब. तो फिर बीच में बंक कैसे हुआ? मैं मतलब हमेशा हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता था. बस क्लास में क्या ही पढ़ने को नहीं आता स्कूल, तो मैं तो बस मस्ती करने आता था ज़्यादा. पर हाँ, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में ध्यान देता था. ऐसा नहीं है. हॉबीज क्या? क्या स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में सब कुछ, बास्केटबॉल, स्विमिंग. क्या एक्सप्लोर करना सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या क्या एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है? डिफरेंट स्पोर्ट्स डेफिनेटली. ओके, आगे चल के क्या बनना है? क्या बनना है आगे? आई वांट टू बी रिच. रिच लाइक अंबानी? या नॉट दैट मच. आपके घर में रहा नहीं? आपके पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं रहा. सबसे ज्यादा मोटिवेशन लास्ट में कितने घंटे की पढ़ाई मैक्सिमम आपने की एक दिन में? 15 से 16, लेकिन वो एग्जाम टाइम. एग्जाम टाइम, उससे पहले मैक्स टू मैक्स 1-2 घंटा. किसी ने मोटिवेट भी किया यार पढ़ना है, अब पढ़ना है, एग्जाम आ रहा है, ऐसा कुछ मोटिवेट किया किसी ने? नहीं, कुछ पीयर प्रेशर थोड़ा बहुत रहता है, वरना ऐसा कुछ नहीं था. ओके, कभी वेब सीरीज, फिल्म ऐसा कुछ? बहुत सारी. एग्जाम्पल, लास्ट कौन सी वेब सीरीज देखी थी? पीकी ब्लाइंडर्स. ओके, और कोई फिल्म? फिल्म आई डोंट रिमेम्बर अभी, नहीं याद. यानी कि एंटरटेनमेंट का फुल डोज लेके आपने पढ़ाई की है? जी. मतलब ऐसा नहीं सोशल मीडिया से दूरी बना लो, संन्यास जी बन जाओ, ऐसा नहीं? वैसा नहीं है, क्योंकि फिर उस समय मतलब नहीं होता, वो एक साल बर्बाद हो जाता. मैं ये सब करके भी अच्छा रिजल्ट ले आया. अब मैं बना नहीं रहा मतलब, ये कहानी नहीं बना रहा. मेरे दोस्तों से भी आप पूछ सकते हैं. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स राइट. तो आप स्टूडेंट, बहुत लोग स्टूडेंट कहते हैं एकदम डेडिकेट होकर पढ़ने, 1-2 साल सब कुछ भूल जाओ, लेकिन आपका जैसा दिख रहा है थोड़ा ऑपोजिट लग रहा है. मतलब सब मैनेज कैसे करते थे इतना कुछ? ये उनकी मदर है दिव्यांश के. एक बात बताते, 99.4 लाया, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए? उम्मीद किया था? उम्मीद तो किया था, क्योंकि ये बोलता था, इसकी मौसी सेंट्रल स्कूल से रिटायर हुई है, तो ये अपनी मौसी को बोलता था, मौसी मेरे को स्टेट टॉपर बनना है, तो आप मुझे टिप्स दो. अच्छा, तो इसलिए इसमें जुनून था. जी देखिए, जैसे उन्होंने कहा, हम लोग एंटरटेनमेंट भी पूरा किया, खेला भी पूरा. हाँ, तो आपको निमेश भी लगता था, अरे यार फिल्म देख रहा है मैम, ये डर ही लग रहा था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो. एग्जाम टाइम में जिम जाता था, मैं इसको मना करती थी, कल तुम्हारे एग्जाम है तुम जिम जा रहे हो, कि मेरा स्ट्रेस उसी से वो होता है, ये चाहता था. लेकिन इसमें ना बहुत डेडिकेशन है, बहुत ज़्यादा. मतलब 1 घंटा भी पढ़ो, फोकसली पढ़ो. बहुत बहुत ज़्यादा. और मैम, हम लोग पूछते थे एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक हुआ है, अब रिजल्ट आएगा तब देखना. बहुत नॉर्मल बिहेव करता था, नहीं बताता था कि मैं मतलब कैसे किया हूँ, तो थोड़ा हम डर भी गए थे. लेकिन आज जैसे ही मैंने इसका रिजल्ट देखा, मेरे खुशी से आँख में आंसू आ गए.